सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क्याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। आई नाजी, अगली अफसोसनाक खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो की भुवनगिरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से है, जहाँ पर एक पेशेंट का इलाज चल रहा था, उसका ऑपरेशन चल रहा था, उसी दौरान जो है वहाँ पर करंट नहीं रहता यानी बिजली कट हो जाती है, जिसकी वजह से वो पेशेंट का ऑपरेशन जो है अंधेरे में ही किया जा रहा है। ये कैसी हुकूमत है पता नहीं, इससे बेहतर तो कहीं ना कहीं बीआरएस की हुकूमत लग रही थी, क्योंकि बीआरएस की हुकूमत में कभी करंट का प्रॉब्लम नहीं हुआ था, आवाम खुशहाल थी, लेकिन जब से कांग्रेस की हुकूमत आई है बार बार करंट चले जाना ये तो आम सी बात हो गई है। तो बहरहाल जो है भुवनगिर हॉस्पिटल में किस तरह से बिना लाइट के ऑपरेशन किया जा रहा था वो नजारे आप देख सकते हैं। लाइट में जो मुरली రీసెంట్గా ఎప్పుడు వచ్చింది పెయిన్ అట్లా? నాకైతే తీసుకొని తీసుకోవాలి మొన్న. మూత్రం కూడా మంట ఉంటుందా? వీడియోనే सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क्याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालदेन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लास रूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज कुरान करीम और स्पोर्ट्स के तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।